जब आपके सिर के ऊपर छत नहीं है तो यहाँ स्पेशल भर्ती का आप क्या करोगे? आज तो आपके घर में राशन नहीं है तो टनल को लेके आप क्या करोगे? आज तो आपके माल मवेशी को पालने की जगह नहीं है तो बाकी चीजों की तो बात हम बाद में करेंगे। पहले तो मुझे आपके रोजमर्रा के मुताबे और मुश्किलात जो है वो हल करने हैं। बड़े अफसोस की बात है कि मुझे इन हालात में अपना पहला दौरा करना पड़ा, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं यहाँ लोगों तक पहुँचूँ और उन्हें इस बात का एहसास दूँ कि वो इस मुश्किल दौर में अकेले नहीं हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनकी मदद करें और इनको नए सिरे से बसाएं। कुछ हद तक हुकूमत ने, इंतज़ामिया ने इन तक रिलीफ पहुंचाने की कोशिश की, मैंने इसमें कुछ इसको बढ़ाया है आज। और जैसे मैंने अपनी तकरीर में अभी कहा, हम वज़ीरे आज़म साहब को भी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फ़ंड के तहत उनसे मदद मांगने का काम हमने शुरू किया है। उम्मीद कर रहे हैं कि वज़ीरे आज़म के रिलीफ फ़ंड से भी यहाँ लोगों को थोड़ा सा एक हिस्सा मिलेगा और जो बाकी बचा हुआ है वो हम पूरा कर लेंगे। Thank you.